हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, टॉप अपकमिंग मूवीज के पहली सीरीज में हमने आपको 10 मूवीज को बता दिया, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेके हैं आपके लिए टॉप 10 मूवी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी पहली फिल्म है तख्त। तख्त एक बहुत बड़ी फिल्म है, जिस फिल्म का बजट 250 करोड़ प्लस होने वाला है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, विकी कौशल, अनिल कपूर, करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर और जाह्नवी कपूर एक साथ दिखने वाले हैं। ये मूवी 2022 में रिलीज होगी। दूसरे नंबर की मूवी है कर्णम। कर्णम मूवी महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा कर्ण से प्रेरित है, जिसमें शाहिद कपूर कर्ण का रोल प्ले करने वाले हैं। ये फिल्म 2022 दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है। तीसरे नंबर पर फिल्म आती है अपने। इस फिल्म में आपको पूरी देओल फैमिली नजर आने वाली है, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल, करण देओल और धर्मेंद्र एक साथ नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 2022 में रिलीज होगी। चौथे नंबर की मूवी है भेड़िया। ये मूवी एक जबरदस्त कॉमेडी हॉरर मूवी होने वाली है। मूवी में वरुण धवन एक भेड़िए का रोल प्ले करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म में कृति सैनन, दीपक डोबरियाल और अभिषेक बनर्जी जैसे टैलेंटेड एक्टर इस फिल्म में दिखने वाले हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अमर कौशिक, जो क्रिस 3 और बाला जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। पांचवें नंबर की मूवी है मेडे। मेडे अजय देवगन की ड्रीम फिल्म है। इसके साथ साथ इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अजय देवगन हैं, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। इस फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत सिंह, बम्मन ईरानी दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कास्टिंग बहुत ही बेहतरीन की गई है। यह मूवी 29 अप्रैल ईद पर रिलीज हो सकती है। छठे नंबर की मूवी है एनिमल। इस फिल्म में रणवीर कपूर का कैरेक्टर बहुत ही डार्क और इंटेंस होने वाला है। यह क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी होगी। इस मूवी में रणवीर कपूर, बॉबी देओल, परिणीति चोपड़ा और अनिल कपूर दिखाई देने वाले हैं। डायरेक्टर और राइटर संदीप रेड्डी वंगा, जिन्होंने कबीर सिंह जैसी जबरदस्त फिल्म बना चुके हैं। यह फिल्म 5 अक्टूबर 2022 में दशहरा के मौके पर रिलीज हो सकती है। सातवें नंबर की मूवी है एक विलन रिटर्न। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी होने वाली है। इसकी स्टोरी एक विलन से बिल्कुल ही अलग होगी। इस मूवी में रोमांटिक, एक्शन, थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके डायरेक्टर हैं मोहित सूरी, जिन्होंने आस्की 2, एक विलन, मलंग और कलयुग जैसी बेहतरीन फिल्म बना चुके हैं। यह फिल्म 11 फरवरी 2022 में रिलीज होने वाली है। आठवें नंबर की मूवी है मुगल। यह मूवी एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी होने वाली है। मूवी में आमिर खान गुलशन कुमार जी का रोल प्ले करने वाले हैं। यह फिल्म 2023 में रिलीज होगी। नौवें नंबर की मूवी है लाइगर। यह मूवी स्पोर्ट एक्शन रोमांटिक फिल्म होने वाली है। डायरेक्टर और राइटर पुरी जगन्नाथ जी हैं। यह मूवी 2022 को रिलीज होगी। आज की हमारी दसवें नंबर की मूवी है चाणक। चाणक दो पार्ट में बनने वाली है, जिसमें चाणक के जीवन के बारे में कहानी होने वाली है, जो कि एक टीचर, फिलोसफर और एडवाइजर थे। मूवी में चाणक का 4 वर्जन देखने को मिलेगा, बुद्धिस्ट, जैन, कश्मीरी, मुद्रा राक्षस। अजय देवगन इसमें चाणक का रोल प्ले करने वाले हैं। मूवी के डायरेक्टर हैं नीरज पांडे, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई है, जैसे स्पेशल 26, बेबी, स्पेशल लूप्स, ए वेडनेसडे। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट 2022 में रिलीज होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल आई मूवीज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।